खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मनरेगा के तहत मजदूरों का फर्जी मस्टर दिखकर सरकारी खजाने से राशि आहरित की जा रही है, जिसको लेकर पेपरखार के सरपंच ने मऊगंज विधायक और आरईएस विभाग पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जो सड़क उन्होंने बनवाई थी विधायक के निर्देश पर, उसी सड़क का एक बार फिर से निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें मनरेगा के तहत 146 मजदूरों का फर्जी मस्टर दिखाया गया है। 1 करोड़ रुपए की राशि बंदरबांट की जा रही है, जबकि एक भी मजदूर मौके पर नहीं पाया गया है, बल्कि डंपर से काम की औपचारिकता दिखाकर करोड़ों की राशि का भ्रष्टाचार किया गया है। ये रोड बराव प्रधानमंत्री सड़क से फूल बजरंग सिंह तक जा रही है। ये रोड को विधायक जी हमारे द्वारा खुद, हम 65,000 रुपए नकदी लगा के स्वयं के पैसे से अपनी गौशाला तक, फूल बजरंग सिंह के सीमा तक खुद रोड बनवाया। विधायक जी बोले कि बना दीजिए आप, हम आगे देखेंगे, आपको रोड दिलवाएंगे। ना हमें रोड मिली, अभी पता चल रहा है कि हमारे पंचायत से 146 लेबर निकले हैं, हमारे पंचायत में एक भी लेबर नहीं लगे हैं। कहाँ के लेबर हैं, कागज में लगे हैं, विधायक जी लगाए हैं, उनके आदमी लगाए हैं, विभाग लगाया है, ये जानकारी नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत कोई लेबर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं।